नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मुस्वप्ना प्रथम हेडलाइंस मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देले निजर संपत्तिर तालिका नवीन को पाखरे देशर सातोटी बैंक रे रहिची 13 कोटी 1 लाख 6011 टंका सीएमओ वेबसाइट रे मुख्यमंत्री को सह अन्य मंत्री को संपत्ति तालिका स्थानित कलाहांडी रे बड़ धरणर डकायती बंधुक मुनरे लुटी नेले 15 लाख रु ऊर्ध टंका सह अनेक सुना गहना पांच जन दुर्बृत्त घरे पशि लुटि नेथिबा अभियोग मासक मध्यरे दुईटी बड़ धरणर डकायती कटक गोपालपुर पाइक साही बाली घाटी रे कमिश्नरेट पुलिस चढ़ाऊ बेआईन बाली चलाण अभियोग 7 ट्रैक्टर सह 11 अटक बालेश्वर नीलगिरी रे हाथी उपद्रव कुलडीहा बनखंड जुनिया गाँव में दंता आक्रमण में स्वामी गुरुतर स्त्री आहत घर भांगिबा सह व्यापक फसल नष्ट करिथिबा अभियोग आतंक रे स्थानीय बासिंदा गजपति रे 27 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव स्कूल खोलिबा परे शिक्षक मानकर होइथिला टेस्ट जिला प्रशासन पक्षरु आरंभ हला कांटेक्ट ट्रेसिंग सूचना देले जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी आसंता 16 सारा देश रे टीकाकरण घोषणा कले केंद्र सरकार प्रथम 3 कोटी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी को दियाजिबो टीका परे 50 वर्षरु अधिक एवं रोगाग्रस्त जनसंख्या गोष्ठी को गुरुत्व केबे बदलिबो भाग चासिंग को भाग्य क्वाडे गला सरकार को ओडिसा एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट मिलुनी फसल उचित मूल्य 1688 बदल रे 1300 टंका रे धान बिक्री करबा को बाध्य हेउछि भाग चासी अपहरण हत्या मामला रे छंदी होइछंती प्रताप जेना अरुण साहू दुई मंत्री को नै राज्यव्यापी प्रतिक्रिया प्रकाश बहिष्कार दाबी करुछि विरोधी विवाद परे दुई मंत्री को घर सामने बढ़िला सुरक्षा एवं राज्यरु 12 पुणी लेउटिबो शीत 5 डिग्री अधिक कमपारे सर्वनिम्न तापमात्रा 13 उपकूल रे कुहुडी बढ़िबो आसंता सप्ताह जे सुखिला रहिबो पाग मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निज संपत्तिर तालिका देइछंती गत वर्ष मार्च 31 तारीख पर्यंत से निज संपत्ति तालिका देइछंती सीएमओ वेबसाइट रे तांको संपत्तिर तालिका दिया जायछि ता सहित अन्य मानंको संपत्ति तालिका मध्य स्थानित होइछि देशर सातोटी बैंक रे नवीन कर अछि 13 कोटी 1 लाख 6011 टंका बीओआई दिल्ली जनपद शाखा सर्वाधिक 1,13,400 टंका रही नवीन पाखे रही प्राय 2,89,587 टंका रा सुना गहना एबेबी से रखिछंती 1980 मॉडल रो एक एम्बेसेडर कार यार आनुमानिक मूल्य 8,905 टंका हेबो ए संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर रु आम प्रतिनिधि दिव्य ज्योति फोन इन रे आम सहित जोड़ी होती दिव्य जहाँ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संपत्ति तालिका प्रकाश पाई एवं जहाँ सूचना रही पाखे 13,01,6011 टंका अच्छे सीएमओ वेबसाइट अन्य मंत्री संपत्ति तालिका स्थानित होती जहाँ प्रकाश पाई तेज अधिक अपडेट कौन रही दिव्य मुख्यमंत्री संपत्ति तालिका प्रकाश करा सीएमओ जो वेबसाइट रही मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट समस्त मंत्री मानकर रही संपत्ति तालिका प्रकाश पाई मुख्यमंत्री जब विशेषकर आप देखिए मुख्यमंत्री समुदाय जो संपत्ति रही 13,01,611 टंका रही सातटी बैंक रही विभिन्न सातटी बैंक रही टंका विशेषकर दिल्ली जनपद जो बैंक ऑफ इंडिया शाखा रही सर्वाधिक 1,03,13,409 टंका रही देखिए आ गोटे 2,99,587 टंका सुनागणा रही मुख्यमंत्री पाखे एवं एबे भी से रखिछंती 1980 मॉडल एक एम्बेसेडर कार एक कथा को दर्शाई जिते संपत्ति तालिका दिखाई से दर्शाई जार आनुमानिक मूल्य रही 8,905 टंका अंपटे देखिए नवीन निवास मुख्यमंत्री जो सेयार रही दुई तृतीयांश रही सेयार रही सेयार मूल्य देखिए 9,52,46,190 टंका नुआ दिल्ली अर्थात दिल्ली में जो सेयार रही तार आनुमानिक मूल्य हूँ 43,06,000
36,18,000 ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଫରିଦାବାଦରେ ଥିବା ଜମିର ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରାଯିବା ଲାଗି ଯୋଉ ରହିଛି 1,25,00,000 ସେଥିରେ ଅଗ୍ରିମ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଶ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବେଶ ବଢ଼ିଛି ଯାହା ଦେଖାହଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସିଓମୋ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ 15,00,000+ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭବାନୀପାଟଣା ବୋର୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାଲିକ ଅନିଲ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 15,00,000+ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେବା ସହ ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। 5 ଜଣ ଡକାୟତ ଆସି ଏହି ଡକାୟତି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାସେ ଭିତରେ 2 ବଡ଼ ଧରଣ ଚୋରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାତି 12:30 ବେଳକୁ ବୋର୍ଡା ଏରିଆରେ ଜଣେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଘରୁ ଯୋଉ ଡକାୟତି ହେଇଛି, ସେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ 4-wheeler ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ IAC ଆଉ ବୋର୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ଇନଚାର୍ଜ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ କି କୁହା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ତାକୁ ଭଲକି ଦେଖିବ, କିଛି ଫିଜିକାଲ କି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଥିବ, ହେଲା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାହଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟିମ୍ 2 କରିକି ପଠିଆ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାତିରେ ପିକଅପ୍ କରାହବ, ଆଉ ଆମେ ଦୃଢ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ କେସ୍ଟାକୁ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବୁ। କେତେ ଗୋଲ୍ଡ କଣ ଚୋରି ହେଇଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାସ୍ ସେମାନେ କହନ୍ତି 4-5 lakhs ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ କଣ ଚୋରି ହେଇଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିଟେଲ ଭେରିଫାଇ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କନଫର୍ମ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକ ସାହି ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 7 ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିବା ସହ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଇଙ୍ଗିତରେ ବାଲିଘାଟ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲି କିଏ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ପୁଣି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଜୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ରାତି ଅଧରେ ଗାଁରେ ପଶିଲା ହାତୀ। ଖଳାରେ ଶୁଖାଯାଇଥିବା ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ପୋଲ ପଶିଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହେବା ସହ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ତେଣୁ ମେଡିକାଲରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ କୁଳଡିହା ରେଞ୍ଜର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭେଟି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ହେଲା ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ତାରିଖ 16 January 2021। ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ 3 crore ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ଏହାପରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍-19 ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
एपटे टीकाकरण केते प्रस्तुत अच्छा राज्य सरकार एने 11 तारीख अर्थात सोमवार अपराह्न 4 समय समस्त राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अनुमति मिलवा पर प्रथम थरपाई मुख्यमंत्री कथा प्रधानमंत्री राज्य में टीकाकरण प्रस्तुति सह कोविड स्थिति कौन ताक नहीं हेब आलोचना एने प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षर् ट्विट कर सूचना दि जा लॉकडाउन परठारु 6 मुख्यमंत्री सह आलोचना करिछंती प्रधानमंत्री मोदी। अनुगुल गस्तरे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नालम नृसिंहनाथ दर्शन करिबे परे अपराह्न 12:30 मां हिंगुला दर्शन करिबे। हिंगुला मंदिर दर्शन परे मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अनुगुल सर्किट हाउस रे पहुंचिबे परे सेठारु एक बाइक शोभायात्रा रे तांकु दलीय कार्यालय को नियाजिबो। एहा सह अनुगुल ठारे पार्टी ऑफिस रे मिश्रण पर्व रे जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। जुवपीढ़ी पाई उदाहरण सृष्टि कले राजधानीर जुवक पॉलीथिन बदल बायोडिग्रेडेबल ब्याग तैयारी करिबा सह महिला एवं दिव्यांग पाल्टिले देवदूत। जेतेबेले पॉलीथिन व्यवहार को नहीं समग्र विश्व चिंतारे थिबा बेले जुव उद्योगी एभली कार्य समस्त को प्रेरणा प्रदान करिछि देखिबा रिपोर्ट। पॉलीथिन ब्याग्र विकल्प बायोडिग्रेडेबल ब्याग सरकार पॉलीथिन ब्यान कैंपेन रे सामिल राजधानी युवक बायोडिग्रेडेबल ब्याग प्रस्तुत कर सचेतनतार बार्ता। पॉलीथिन एक एमती पदार्थ जहां सहजरे नष्ट न था किंतु एहारे मध्यरे राजधानी भुवनेश्वर पटिया अंचल जुब उद्योगी आरंभ कर बायोडिग्रेडेबल ब्याग जहाँ प्लास्टिक पॉलीथिन विकल्प भाव व्यवहार करा जाई पारिबो। 70% कॉटन एवं 30% प्लास्टिक रे निर्मित ए ब्याग परिवेश उपयोगी होइथवा बेले पॉलीथिन व्यवहार रोकि पारिबो। एहा द्वारा एक सुस्थ समाज गठन हेबा सह अनेक जीवजंतुक जीवन बंची पारिबो बोली जणा पडिछि। ओडिसा रो पिला बाहरे पाठ पढ़ुली तापर चाकरी फाकरी करुली तापर देखिली कि ओडिशा रे जदि किछि करिले आ महिला मानकु कि दिव्यांग मानकु एम्प्लॉयमेंट देले सेटा गोटे मनर सैटिस्फैक्शन प्लस आम गोटे एनवायरमेंट कॉज पे भी लागिछु जिनसटा कि अलग अल्टरनेटिव क्यारि बैग हेले लोक भी सेथिरे बेनिफिटेड हे जमी आगु प्लास्टिक बैग रे सिंगल यूज प्लास्टिक बैग रे नौते जोटा कि एनवायरमेंट को पल्यूट करुच्छे ये करुच्छे बायोडिग्रेडेबल नुह एटा तर अल्टरनेटिव तो ये बेसिस रे आमे एटा स्टार्ट करछु एथरे दीटा अपन सोसाइटी को भी एटा माने एनवायरमेंट को भी एटा पॉजिटिव इंपैक्ट रे पकोची आ सोसाइटी को अपन किछि लोकन को एम्प्लॉयमेंट भी दउछन या निजे सेल्फ एम्प्लॉयड। प्राइस यार तो रीजनेबल अछि एटा बेसी एक्सपेंसिव न हो प्लस यार स्ट्रेंथ भी भलो अछि। मु कोरोना टाइम रे 5 मास घरे बसली ए भलिया गुटे संस्था मिलिबारु मु एठी काम करि पारुछि आउ मो परिवार भी मु पोषि पारुछि ए भलिया संस्था गोटे मिलिबारु मु बहुत खुशी अछि। परिवेश को सुरक्षित रखिया पई आउ एटा जेमति पॉलिथिन तो माटी रे मिसि पारुनी आउ ए जो ए पॉलिथिन जे माटी रे मिसि पारुछि। रिपोर्ट अनुसार प्रति वर्ष 1 लाख रु अधिक पशुपक्षी गाई गोरु जल जीव पॉलिथिन जोगु मृत्युवरण करुछंती जाकुनी ओडिशा सरकार को पक्षरु ओडिशा रे पॉलीथिन व्यवहार उपरे ब्यान नै 2019 अक्टोबर 2 तारिख रे घोषणा करा जैतिला। तबे घोषणा को एथि मध्ये रे 2 वर्ष पुरिबा को बसथिले मध्ये आज भी पॉलीथिन रो बहुल व्यवहार करा जाउतिबा देखिबा को मिलुछि। पॉलीथिन व्यवहार न करबा को नै सरकारी स्तर रे सचेतनता करा जैतिले मध्ये केही एथि प्रति ध्यान देउ नाहंती। पॉलीथिन
प्लास्टिक बैग यूज करूनी बहुत खराब एनवायरमेंट पाई आमर आ पांच छः वर्ष पर अवस्था जहाँ हे बहुत खराब हम जो बैग टार से मैंने तार वेट भी नहीं पार ओके कागज फाटी जापे आप लिक हो पारे ये बैग से वेट नहीं पार विभिन्न सैज्र अच्छी आपको रियूजेबल करें तेणु मोर विनीत अनुरोध मोर बहुत अनुरोध आपण मैंने दयाक प्लास्टिक आउ यूज करूनी मोदी जी जमी कहते मन की बात रे लास्ट लास्ट ईयर जे 2021 पूरा बैन होगा दरकार पूरा बैन होगा दरकार प्लीज कोऑपरेट करंतु अनेपटे एही बायोडिग्रेडेबल बैग निर्माण करी राजधानी रे युव उद्योगी निजे स्वावलंबी होगा सहित अनेक गरीब असहाय रोजगार गोटेपटे पलिथिन व्यवहार बहुत भाव बढ़ चलता बेले राजधानी युव उद्योगी उद्यम को बेस प्रशंसा कर भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रमोद को सह चिन्मयी साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बालेश्वर जिला फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिसर में अभावनीय घटना घटी मोबाइल चोरी को नहीं थाना परिसर में लोकों भिड़ जमी सकाळु सकाळु देखा मिलता एभली दृश्य मेडिकल रे थिबा रोगी आसी मेडिकल फांडी रे भिड़ जमाइथिले अभिजोग थिला मोबाइल चोरी रो जणे नुहे कि दुई जण नुह बहु लोक अभिजोग आनिथिले पुलिस तांको मोबाइल चोरी करी आनिछंती हेले पुलिस एहाको सचेतनता कही एडाई जाइथिला लोकंको कहिबा कथा सेमाने नाना मानसिक चापरे थिबा बेले पुलिस सेमाननको मोबाइल नै आछि अभिजोग कला परे एहा सचेतनता बोली कहुछि तबे लोकंको प्रश्न जे रोगी मानू जदि सचेतन कराइबार तेब मोबाइल काहीकि आणले एवं स्विच ऑफ काहीकि कले एवं मोबाइल नथिबा कारण लोके अनेक हैरान हरकत रे मध्य पड़िछंती तेब संपर्कित अधिक सूचना देबे बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश आम सहित जोड़ी होती प्रकाश जहाँ अभियोग आसी पहुँचुची मेडिकल रे रोगी मानक मोबाइल नहीं जाइछंती पुलिस बाबू तबे काहीकि पुलिस माने रोगी मानक मोबाइल नहीं चंती एवं केउ मानसिक चापरे जहाँ पुलिस दर्शाऊ मानसिक चापरु मुक्ति पाइबे बोली पुलिस तांको मोबाइल आनी स्विच ऑफ कर देछि स्वप्ना जो भाई भाव आज बालेश्वर फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एक अभावन परिस्थिति देखा मिलता सका सका थाना जो फांडी अच्छी मेडिकल परिसर में से फांडी परिसर में बहु लोक रुंड होते अभियोग करते कि मोबाइल गत का राति पाखापाखि तीन टा समय किए नहीं जाइए भवानीजी जो अभियोग करने फांडी निकट को आसे फांडी बाबू को कहवा कथा से मोबाइल नहीं आसचेतन करने एक कार्यक्रम जहाँ को नहीं लोक मैंने बहुत असुविधार हैरान हरकत होते कहीं जो समय लोक मान पेसेंट को डाक्तर मैंने कही जो मैं देह सीरीयस थी से कटक नहीं जावाई जिते से मोबाइल उठी खोजी तो से नहीं बर्तमान पर्यटन से कौन किसी लोक मोबाइल मिली ना जहाँ को लेकिन गोटे प्रकार असंतोष देखा जाता ए नहीं कि जो पुलिस पाखु प्रतिक्रिया नहीं थी से कहते जेक बारंबार थाना मेडिकल परिसर जो मोबाइल गुड़िक चोरी होगुड़ी को लोक सचेतन करवाई ए मोबाइल गुड़िक आम आनी पाखे लोक मानते कही कि लोक मानक कहता ए नहीं कि कौन से सूचना दी नहीं था संपर्क मानक सूचना दी नहीं था सब बड़ कथ हो जिते पुलिस प्रथम पर्यायर कही मोबाइल आम आनी परवर्त समय जो मैंने किसी लोक मोबाइल मिल ना आम लोक प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन प्रकृत आपने जो अभियोग आसी करते कौन अभियोग कौन घटना है जो पुलिस कौन सचेतन करुच्चे घटना को कौ भाव भाव देखते देखो कथा हूँ सकाल जो पूरा समस्त हाला उठला जे मोबाइल चोरी हो जाए आम भाविल जन जनकर कितु बाहर को आसिक देखला बेलू को प्राय बहुत लोग समस्त अभियोग आमर भी मोबाइल चोरी हो कथा कौन हटात एका सागर एत गुटा मोबाइल चोरी किंतु रातिर कौन है ना कि लोक ये चोरी भितर जड़े लोक आसी कहले ए मोबाइल टी जो थाना बाबू पाखे सब अच्छी सी कहीं आई भी जाणी ना कौन पर आने कि रात जिते वार्ड्रे मो छोट पाटी अच्छी आईसीयू में मुझे जगी थी तो मुँह भी देखी थाना बाबू दुईज तीन जन सहित गोटे सिक्यूरीटी से जाकि राउंड बुलूले कि देखी चार्ज्रे लगे मोबाइल से चार्ज प्लग सहित चार्ज सहित मोबाइल सहित खोलिक नहीं गोड़े नहीं पलि आस तो जहाँ मोबाइल से मागिले सी पुणी रिटर्न दे कितु ये जो कि न कह क्या मोबाइल नहीं आस कथा यहाँ किसी मानते बुझीलानी कथा किंतु एमाने एमती हो दे सकाळ देखला को एते कथा तापरे सकाळ आसी आमे जतले अभिजोग करलु कि आपण माने एमती मोबाइल नै आसन कोन करचंदी
तबे गजपति रे डी पुरेंद्रेश्वरी को सांबादिक सम्मेलनी आसंतु नजर पकाइबा। उनकी सेहत उनकी बेनिफिट के लिए उपयोग करने तक ही सीमित है यहाँ का प्रदेश सरकार, ये हम साफ साफ आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम यहाँ के प्रजा को हम कहना चाहते हैं। वैसे ही एक तरह हमारा बीजेपी सरकार है जो सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत पैमान में बहुत ही महत्व देती है उनको। अगर हमारे देश में कोई हमला करता हमारे सैनिकों को मारते तो झट से हम सर्जिकल स्ट्राइक करते और वहाँ के जो हमारे नेबर कंट्री हैं उनको हम सबक सिखाते हैं कि आप हमारे देश में घुस नहीं सकते हो, हमारे लोगों पर और हमारे सैनिकों के ऊपर आप हाथ भी डाल नहीं सकते हो। अगर एक सैनिक यही हमारी सरकार कहती आई है, पर प्रदेश में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी देखते हो तो कहाँ की लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन पर हमला होते ही जा रहे हैं और उनकी हत्या होती ही जा रही है। मैं गई थी मयंग महंगा गई थी मैं और वहाँ नूरतंग पंचायत में हमारा जो भाई थे कुलमणि बराल उनका हत्या किया गया था। उससे एक साल पहले विकास जेना उनका भी हत्या किया गया था। क्यों इन दोनों का हत्या हुआ? इसीलिए हत्या हुआ क्योंकि इन दोनों और जब हम उनके घर गए तो उनके बेटे यही कहने लगा कि आज रात को उनकी हत्या हुई, अगर आप ऐसे ही छोड़ते जाओगे तो दिन दिहाड़े हत्या होते जाएंगे यहाँ उड़ीसा में। ऐसी हाल है यहाँ अब उड़ीसा में और इस प्रदेश का भी देखिए, जहाँ हम बैठे हैं तितली आई थी इस जिले में तितली आई थी बात प्रदेश सरकार यही कहते आई कि कोई कैजुअलिटीज है ही नहीं यहाँ पे, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ जब दौरे पे आए तो उन्होंने देखे कि लाशें ऐसे पड़े रहे थे। तो जब हम आवाज उठाने लगे तब जाके यहाँ की प्रदेश सरकार यही कहने लगी कि हम उनका कॉम्पेंसेशन देंगे, पर तितली आके गए अब 2 साल के ऊपर कि कितने लोगों का आपने कंपनसेशन दिए हैं। जब हम यहाँ पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हमको कंपनसेशन मिला ही नहीं, तो किनके दिए आप कंपनसेशन, कौन लेके गए आपका कंपनसेशन जो यहाँ के लोगों को मिलना है। पर हमारी भाजपा पार्टी यहाँ की जो महेंद्रगिरी है है उसके अंदर को जोड़ा है और जोड़ने की वजह से यहाँ इस प्रांत का थोड़ा प्रगति हो सकती है, कोई छोटे मोटे व्यापार होता है यहाँ पे टूरिज्म के तौर पर। और यहाँ जो इस जिले में पलायन अति पिछड़ा हुआ जिला है ये, और यहाँ से पलायन के पास बैकवर्ड रीजन ग्रांट के अंदर, तो उन पैसों का क्या किए आप, कहां गए वो पैसे, क्यों ये पिछड़ापन दूर नहीं हुआ, क्यों यहां से इतने बड़े संख्या में पलायन हो रहे हैं, यही हम पूछना चाहते हैं। इंडस्ट्री लेके आते, छोटे मोटे अगर यहां बिजनेसेस होती रहते हैं तो यहां हमारे बच्चों को यहां एम्प्लॉयमेंट मिलती,
पर न मिलने की वजह से ये लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों के पर। इसीलिए हम यहाँ के लोगों से कहते हैं कि आप एक बार सोच लो किसके अंदर प्रगति हो सकती है यहाँ सत्ता पर न होने के बावजूद। लाभार्थी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, पर जो बीजू जनता दल के लोग हैं उनको एक दो देते ही गए हैं। और यहाँ का प्रदेश सरकार क्या करती है ये तो पोस्टर चिपको शासन है यहाँ पे। ये सरकार केवल पोस्टर्स चिपकाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रधानमंत्री आवास योजना को जो टाइटल है वो निकाल के बीजू पक्का घर का पोस्टर चिपका दे रहे हैं। जब हमारे कार्यकर्ता आवाज उठाने लगे तो एक तरफ बीजू पक्का घर और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कैसी नीति है। हम भाजपा भी अन्य राजनैतिक दलों के जैसे अधिकार सत्ता में आना चाहती है। हर एक राजनैतिक दल यही चाहती है कि हम सत्ता में आए और हम भी चाहते हैं सत्ता में आने का, पर हम अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी केवल अधिकार के लिए सत्ता में आना चाहती है, पर भाजपा हमारे मूल विचारधारा जो है अंत्योदय उसकी तहत हम भी अधिकार में आना चाहते हैं लोगों को सेवा करने के लिए। तो हम उड़ीसा के लोगों से यही विनती करती हूं कि आप एक बार दोनों पार्टियों को एक बार तुलना करके देखिए। तबे बीजेपी प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी जहाँ सांबादिक सम्मेलन थिला से सीधा सड़क राज्य सरकार को टार्गेट करछंती एवं केंद्र सरकार को योजना को राज्य सरकार तांको योजना रे गणती करछंती काहेकि ना प्रधानमंत्री आवास योजना को बिजु पक्का घर कही हातौछंती राज्य सरकार। तबे अर्गस अपडेट रे समय सरछि अधिक खबर पाई हम वेबसाइट विजिट कर परिबे अर्गस न्यूज। नमस्कार।